चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए बाबू, तो लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ तक किए तो उसके आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए हम लोग का अभी तक जो चैप्टर है, तो देखिए लास्ट यूनिट का नाम है मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग। तो इसके अंदर में 16 मार्क्स का 3 चैप्टर है, मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन और क्या बाबू कंट्रोलिंग, जिसमें से हम लोग मोटिवेशन कंप्लीट कर लिए। अभी आज से नया चैप्टर करेंगे, तो मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग तीनों मिला के 16 मार्क्स आपका एग्जाम में आएगा। मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग तीनों मिला के कितना मार्क्स आएगा बाबू? 16। तो हम लोग मोटिवेशन तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे बाबू? तब हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर आज पढ़ने आ रहे हैं। निकालिए कंट्रोलिंग चैप्टर, उसी में होगा, पीडीएफ में निकाली, देखिए पीडीएफ में देखिए कंट्रोलिंग चैप्टर। देखिए निकालिए कंट्रोलिंग चैप्टर, निकालिए पेज नंबर, देखिए पीडीएफ में कितना है। देखिए मिला 118 है। कितना नंबर पेज है? देखिए 24 में दिए बाबू थोड़ा। देखिए तो पेज नंबर कितना है बाबू? देखिए पेज नंबर है 24 पीडीएफ के हिसाब से। अभी तो बुक दिए नहीं, बुक सोमवार से देंगे। तो आप लोग जिनको भी बुक लेना होगा पैसा दे दीजिए, बुक आ जाएगा आपका। पेज नंबर 24 देखिए, टॉपिक का नाम है कंट्रोल। क्या नाम है बताइए? कंट्रोलिंग। लीजिए आप देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट। देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग किसे कहते हैं? तो देखिए मैनेजमेंट का जो लास्ट फंक्शन है उसका नाम है कंट्रोलिंग। बहुत छोटा चैप्टर, आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा। आज ही शुरू करेंगे और आज ही खत्म हो जाएगा। जब तक आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तब तक आपको हम 40% सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। जब तक आपका कॉलेज स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, तब तक हम लोग का 30-40% सिलेबस हर सब्जेक्ट में कम्प्लीट हो जाएगा। बात समझे? देखिए तो भाइयों और बहनों जल्दी बताइए कंट्रोलिंग क्या है। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन का नाम क्या है बताइए? कंट्रोलिंग। तो व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताइए? कंट्रोलिंग। एक मैनेजर का लास्ट फंक्शन का नाम क्या है बताइए? कंट्रोलिंग। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द लास्ट फंक्शन? कंट्रोलिंग। देखिए एक मैनेजर जब मैनेजमेंट करने जाता है ना, तो एक मैनेजर का नॉर्मली 5 फंक्शन हो जाता है। कितना फंक्शन हो जाता है वो? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। क्या क्या बोलिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। बोलिए ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। देखिए मैनेजर का नॉर्मली कितना फंक्शन है बताइए? 5। हाँ सर जी 5 फंक्शन हो सकता है। तो 5 फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। सबसे लास्ट फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग। जो आपको बोल रहे वही एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं कुछ। मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओरली वही क्वेश्चन है आपसे। व्हाट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? क्या बोलेगा? लास्ट फंक्शन यस। नहीं नहीं ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ओनली हाउस प्रॉपर्टी वाला है बस। देखिए उसके देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो टॉपिक को स्टार्ट किए तो अभी देखो कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी बताइए मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन का नाम क्या है बोलिए? तो अजय पूछेगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा, तो क्या बोलिएगा? लास्ट फंक्शन फर्स्ट। एक लाइन हो गई, ये पहला क्वेश्चन है कंट्रोलिंग। अब सवाल ये कि कंट्रोलिंग होता क्या है? तो देखिए कंट्रोलिंग मैनेजर का एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर एक मैनेजर सबसे पहला अपना एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाता है। वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बाद वो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद अगर उसको कुछ कमी लगता है उस कमी को वो दूर करने का कोशिश करता है। कंट्रोलिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर बाय द मैनेजर कंपेयर्स देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द डेविएशन इफ देयर इज इन द फंक्शन। मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, कंपेयर करके देखता है कि दोनों में क्या कमी है। जैसे आपने सोचा कि हमको 60% लाना है फर्स्ट ईयर में, अभी 60% आपका स्टैंडर्ड था, आप जब एग्जाम दिए तो आपका रिजल्ट आया 55%। कितना परसेंट का गैपिंग हो गया बताइए? 5%। कितना परसेंट का गैपिंग हो गया बताइए? 5%। अब ये 5% का गैपिंग क्यों हुआ? कुछ तो गलती आप किए होंगे। क्या गलती की आप? जिंदगी में जब भी इंसान अपने गोल से दूर रह जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होता है, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी हो। अगर मान लीजिए आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, जो आपका टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो कुछ ना कुछ उसका क्या होता है बाबू? कारण होता है। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर बाय द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द डेविएशन। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है और वो क्या निकालने का कोशिश करता है? डेविएशन, इफ एनी। अगर कुछ कमी है दोनों में तो कमी को निकालने का कोशिश करता है, कमी को निकाल के गलती को दूर करता है। एक बात बताइए, आप कुछ टारगेट किए वो आप अचीव नहीं कर पाए,
क्यों नहीं कर पाए, कुछ तो कारण होगा, वो कारण को जान के आप ये कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में गलती दोबारा ना हो। यही तो कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग बड़ा सिंपल सा चीज है, कॉन्सेप्ट को खाली समझ लीजिए। जल्दी बताइए, दो बात अभी तक पढ़ाई, कंट्रोलिंग का फर्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन, सुनाई नहीं दे रहा बाबू? फर्स्ट की लास्ट, फर्स्ट की लास्ट। पूरा एमसीक्यू पेपर देखिए, एमसीक्यू पेपर को कुछ कुछ बच्चे लोग ना बहुत लाइटली में ले लेते थे, तो इसीलिए कल जब एग्जाम हुआ ना, कल सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ था, और आप लोगों में जिनका भी भाई बहन अगर कोई सेकंड ईयर में एग्जाम दिया होगा तो उसे पूछेगा, 90% बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में एमसीक्यू पेपर में फेल हो गया कल। 90% जैसे बोल रहे, 90% ही, 10% बच्चे ही पास हुए, बस 90% बच्चे एमसीक्यू में फेल। क्या एमसीक्यू को ना बहुत लाइटली ले लेते थे, और वो भी ज़्यादा, आप लोग बताते 80 मार्क्स के एमसीक्यू, लोग 40 मार्क्स का ही पेपर था, 40 मार्क्स के एमसीक्यू, और एकदम इजी पेपर है, सबसे इजी पेपर है वो। उस बच्चे क्या किया जो एमसीक्यू पढ़ के क्या होगा, और इतना घुमा के क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन घुमा के दे दिया, मैक्सिमम बच्चे ये मतलब बस समझ रहे ना, 10 बच्चों में 9 बच्चे फेल है, एक बच्चा पास है सिर्फ वो पेपर में, बस 9 बच्चा फेल हो गया, बस समझे। एक बार सी यू का खूबी है, एक बार फेल कर दिया उसके बाद कितना भी माथा पीटेंगे, हाथ पीटेंगे, पाँव पीटेंगे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। वो एक बार जब वो फेल कर दिया मतलब कर दिया, अब वो आप रीचेकिंग कराइए चाहे रिव्यू कराइए कुछ भी कराइए, फ़ायदा होने वाला नहीं, बस समझे। इसीलिए एमसीक्यू को ना लाइटली, मतलब एमसीक्यू का यही खूबी है, अगर मार्क्स आएगा तो भरपूर मार्क्स आएगा। वहीं पर मैथ्स भी एमसीक्यू था, मैथ्स में 90 सब लेके आए, लेकिन आईटी भी एमसीक्यू था आईटी से। आप लोग का देखिए ना, बीएसटीडी जो आप लोग उच्च माध्यमिक दिए थे, आप उच्च माध्यमिक की याद करिए, उच्च माध्यमिक का बीएसटीडी का एमसीक्यू कितना टफ घुमा फिरा के दे दिया था। उच्च माध्यमिक में आप लोग ही देखिए ना, इतना सारा एमसीक्यू हम लोग सॉल्व किए, फिर भी 6-7 तो एमसीक्यू एकदम घुमा घुमा के बीएसटीडी में दे दिया था, एकदम अजीब अजीब एमसीक्यू दे दिया था, टफ टफ एमसीक्यू दे दिया था। तो एमसीक्यू का खराबी है, अंत नहीं है, जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही कम है, समझ रहा हो? इसीलिए एमसीक्यू को ध्यान से करने का है। इसी बात पर जल्दी बताइए, व्हाट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बोलो ना, प्लीज़ बोलो बाबू, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन क्या है, क्या है, क्या है, तो व्हाट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बोलिए, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन क्या बाबू, कंट्रोल। और कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे मैनेजर क्या करता है, तो मैनेजर अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करता है, और अगर दोनों परफॉर्मेंस में कुछ कमी होता है तो उस कमी को वो कोशिश करता है दूर करने का। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वेयर द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड इफ देर इज अ डेविएशन, डेविएशन मतलब गैपिंग बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन दे ट्राई टू इम्प्रूव इट, वो कोशिश करते हैं कि इस गलती को हम लोग दूर कर सकते। सिंपल सही, इसको हम लोग इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू, कंट्रोल। तब से हम लोग यही दो बात पढ़ रहे हैं, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए कोचिंग का बुक में क्या लिखा हुआ, बहुत कुछ लिखा हुआ है। आइए, कंट्रोलिंग इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल मींस मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, चेकिंग, ओवरसीइंग, रेगुलेटिंग, वेरीफाइंग, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ डायरेक्टिंग एंड कमांडिंग। फिर देखिए नीचे वाला भी डेफिनेशन है, एमसीक्यू में अच्छा चीज़ क्या है, आपको याद कुछ नहीं करना है। Control refers to the task of ensuring that activities conform to the predetermined target. Control is the process of checking or verifying the actual performance with the standard performance. Controlling process involves certain stages. फिर देखिए पैराग्राफ है, the object of control is optimum utilization of resource. Planning and controlling are related to each other. आपसे पूछेगा planning, एक बार क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में, planning and controlling are complementary, competitive, तो आंसर होगा complementary. प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं। आपको जो प्लानिंग चैप्टर पढ़ाएंगे वो 16 मार्क्स का अकेला चैप्टर है, तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं होता है, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं होता है। इसीलिए याद रखिएगा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री, पसंद है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों चाहिए एक साथ। वाइल प्लानिंग लुक्स अहेड, कंट्रोल लुक्स बिहाइंड। प्लानिंग में हम लोग फ्यूचर में देखते हैं, कंट्रोलिंग में हम लोग बैक में देखते हैं। इनफैक्ट कंट्रोल इज एन इफेक्टिव काउंटर पार्ट टू प्लानिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना तो कंट्रोलिंग नहीं होगा, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन क्या बताइए, प्लानिंग, लास्ट फंक्शन, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। उसके देखिए, इट इन्वॉल्व, कंट्रोल इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल डज नॉट मीन चेजिंग एन एम्प्लॉय, बट इट मीन फॉलोइंग हिम अप। बड़ा अच्छा लाइन लिखा है इंग्लिश में, मतलब कंट्रोलिंग मतलब किसी को चेस करना नहीं, किसी को चेस करना और किसी को फॉलो करना, दोनों में फर्क होता है बाबू। चेस करना मतलब आप उसका हाथ धोके उसका पीछे पड़ गए। कोई वर्कर अगर जैसे मान लिए कोचिंग में मासी काम करने के लिए आती है, मासी का पीछे हम हाथ धोके पड़ गए, गलत मत समझिए, हाथ धोके पड़ गए मतलब आप गलत समझ रहे, हाथ धोके पड़ गए मतलब हर चीज़ के लिए टोक रहे, बोले ये साफ नहीं किए, वो साफ नहीं किए, वो ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। शी विल नॉट वर्क, शी लीव द वर्क, काम नहीं करेगी वो, छोड़ देगी मेरे पास काम करना। क्यों बोलिए? इतना इरिटेट कराएगा तो कोई काम नहीं करेगा। उसका पीछा मत पड़ जाइए, वर्कर को फॉलो करिए। फॉलो करना और पीछा करना दोनों फर्क होता है, सही है? कैसा बात हुआ? फॉलो करना मतलब आप उसके एक्टिविटीज़ को देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, और जहाँ वो गलती करता है उसका हाथ थाम के कहते हो कि बाबू ये गलत है,
इसको तुम ठीक कर लो, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए, गलती कर रहा, गाली दे रहे, निकाल दे रहे कंपनी से, काम करेगा कोई आपके पास? नहीं करेगा। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जिसको कंट्रोलिंग करने आता है। कंट्रोलिंग, अच्छा कंट्रोलिंग वही होता है जहाँ पे यू डोंट चेज द इम्प्लॉइज, व्हाट यू डू यू फॉलो द इम्प्लॉइज। आप वर्कर को चेज नहीं करते हो, क्या करते हो बोलो, बोलो ना, चेज करते हो। चेज करना और फॉलो करना में अंतर क्या है? फॉलो करना मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गए, और चेज करना मतलब क्या बोलिए तो, सॉरी, चेस करना मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गए, फॉलो करना मतलब उसके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना। तो कंट्रोलिंग डज नॉट मीन चेजिंग द इम्प्लॉइज, इट मीन्स फॉलोइंग द इम्प्लॉइज, वर्कर को फॉलो करना, समझे ना। और देखिए आप लोगों में जिनको भी बुक लेना होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग शनिवार तक बुक का पैसा दे देंगे तो सोमवार से या मंगलवार से आपको बुक मिलना शुरू हो जाएगी, बात समझे ना। और जिनको भी बुक लेना होगा एक बार में दे देंगे ना तो सुविधा रहेगा, बिकॉज ऐसे बार बार में ना लोग होम डिलीवरी करने नहीं मांगता है, तक कोचिंग तक पहुंचाने नहीं मांगता, समझे ना। जैसे एक तो दो बुक बोलेंगे तो लोग देने नहीं मांगते, एक बार में 10-15-20 करके बुक देते हैं तो लोग पहुंचा देता है, ऐसे फिर दे देता है, बुक नहीं देता ऐसा नहीं, डिले बहुत करना, आज ऑर्डर देंगे 5-10 बाद बुक देंगे, बस समझे ना। तो जिनको भी लेना होगा आप धीरे धीरे अपना बुक का पेमेंट कर दीजिएगा, बस बुक आपको भेज दिया जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा, बस समझे ना। 4 बुक आपको कोचिंग से हम लोग देंगे, अगर आपका ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ रहे हो तो, जो लोग थ्योरी का ट्यूशन पढ़ रहे हो आपको 2 बुक भी लेना है, एक तो थ्योरी सब्जेक्ट्स, एक तो आपका MCQ कैप्सूल, बस 2 बुक लेना है, समझ रहे बात। अच्छी लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्टैक्स का बुक है पूरा विद इंटायर सॉल्यूशन, पूरा स्टैक्स का बुक में ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन के साथ बुक बनाया हुआ स्टैक्स का। और उसके बाद आपका है अकाउंट्स का बुक है विद MCQ ऑल लॉन्ग क्वेश्चन स्कैनर, मतलब जितना पिछला साल में क्वेश्चन पेपर हुआ है 22 को छोड़कर, इस बार जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर उसमें अपडेटेड नहीं है, क्योंकि वो वाला आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी तो नहीं है, कॉमन सेंस सोचिए। अगर आप 24 में एग्जाम देंगे, अगर आप 24 का बैच में एग्जाम देंगे तो 23 का पेपर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप 23 में एग्जाम देंगे तो 22 का पेपर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, 22 का पेपर विल नॉट बी रिपीटेड इन 23। कौन सा सब्जेक्ट में बोलिए, नॉन MCQ में। MCQ में क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन कॉमन आ ही जाते हैं, फिर भी 22 का पेपर से भी 2-4 क्वेश्चन 23 में आ जाएगा। तो MCQ में आपको हम 22 का पेपर अलग से प्रिंट आउट देंगे क्लास में, समझे ना, MCQ वाला में। और नॉन MCQ वाला जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स का पूरा ईयरली पेपर देखोगे उसमें पीछे दिया हुआ है, चैप्टर पढ़ाएंगे ईयरली पेपर कराएंगे, पैरेलली आपको सॉल्व कराते हैं अकाउंट्स में, समझ गए सारा बात। और इधर आपका जो स्टैटिस्टिक्स में खाली बुक है, हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का बुक अपने आप में काफ़ी है, मतलब उसमें बुक के बाहर एक तो भी शास्त्र नहीं आया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेडा में, बस समझे ना। तो बुक में ऑलरेडी सब सॉम सॉल्व किया हुआ है, तो आपको क्या करिएगा बताइए, आपको घर में खाली अच्छे से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा टाइम कम है आपके पास, टाइम एकदम नहीं, आप ये मत सोचिए कि जुलाई में एडमिशन लेंगे, अगस्त में कॉलेज स्टार्ट होगा तो आराम से कॉलेज वाला लोग बोलेगा अगस्त के बाद 6 महीना जोड़ दीजिए, बात समझे ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5वां महीना में आपका एग्जाम आएगा, या जनवरी का फर्स्ट वीक आते आते आपका एग्जाम आएगा, बात समझे बाबू। और अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, बात समझे। इसीलिए घर में अब तो देखिए आज कितना 16 या 17 तारीख है, 12-13 दिन बाकी है, फिर एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो एडमिशन प्रोसेस में भी अच्छा क्या है, आपको कहीं जाना आना नहीं, घर में बैठे बैठे अपना एडमिशन हो जाएगा, सब ऑनलाइन प्रोसेस होगा, समझे ना। फॉर्म जरूर भरिएगा, पहला चीज़ जो आपको बताना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, फॉर्म आप जरूर भरेंगे। कौन सा कॉलेज का भरेंगे वो तो आपको हम अलग से बता देंगे, उसके लिए पढ़ाई वाला वीडियो में वो सब चीज़ बताना नहीं चाहते, लेकिन आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ये गलती कुछ बच्चे क्या कर देते, सपोज आपका मार्क्स कम आया और आपको कोई भैया बोले कि तुम चिंता मत करो हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, लेकिन देखिए वो एडमिशन आप करा देंगे बट आपको हम बताते हैं, एडमिशन अगर आपको करा देंगे वो अच्छा बात है, लेकिन एडमिशन का लिए ना सबसे मैंडेटरी प्रोसेस होता है फॉर्म फिलअप। मार्क्स कम भी होगा आप उस कॉलेज में फॉर्म भरिएगा जिसमें आपका भैया बोले आपका हम एडमिशन करा देंगे, फॉर्म अगर भरा हुआ रहेगा ना तो एडमिशन आराम से हो जाता है। इलीगल भी बैक एडमिशन भी हो जाएगा, फ्रंट एडमिशन भी आएगा। फ्रंट एडमिशन मतलब क्या होता है, आपका नाम आया लिस्ट में। बैक डोर एडमिशन मतलब क्या होता है कि आपका नाम नहीं आया, आपको साइड से एडमिशन करा दिया गया, कोई सोर्स ला के एडमिशन हो गया। तो वो भी तभी करवा पाएंगे ना जब आपका फॉर्म फिलअप किया रहेगा, फॉर्म नहीं फिलअप किया रहेगा तो वो भी आपको चाटो गाली देंगे, फिर तुम कितना बकलो लो फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो फॉर्म फिलअप इज़ द फर्स्ट स्टेज माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, क्या फ़ायदा ड्रीम कॉलेज करके, पढ़ना तो आपको CU में ही, CU मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बस सर मेरा कॉलेज से कोई इम्पैक्ट नहीं है, चाहे आप गोयनका में पढ़िए, चाहे आप भवानीपुर में पढ़िए, और किसी भी कॉलेज में पढ़िए, फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस आपको पढ़ाई अच्छा से करना होगा, नहीं तो CU वाला क्या करता है, सप्ली दे देता है, बस समझे। CU में फेल को फेल नहीं बोलते हम लोग, कोई बच्चा फेल हो उसको फेल मत बोलिए, बुरा लग जाएगा, क्या बोलिए उसको, सप्ली। फेल में डिफरेंस क्या है, फेल वाला लोग जो होता है ना वो लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, जैसे जो आप लोग का साथ जो दोस्त आपका फेल किया होगा 12 में, वो इसका 1 साल बर्बाद होगी। लेकिन सप्ली का मतलब क्या होता है, आपका पढ़ाई आगे बढ़ जाएगा, आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में चले जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर वाला क्लोजिंग स्टॉक आपका रहेगा, फर्स्ट ईयर वाला बैकलॉग आपका रहेगा, उसको आपको जब आपको टाइम मिलेगा, जब अगला बार फिर एग्जाम होगा उसको देख के आपको क्लियर कर। तो यहाँ पर अच्छा चीज़ क्या है, यहाँ पर आप कोई किसी से जूनियर नहीं होगा फर्स्ट ईयर में, अच्छा चीज़ क्या, कोई आपका दोस्त आपसे बिछड़ेगा नहीं, आपका साथ ही रहेगा, हाँ आप पास होकर आगे बढ़ोगे, आपका दोस्त फेल होकर आगे बढ़ेगा,
आगे तो सब बढ़ेंगे, तो चलिए इसी बात पे जल्दी से बता दीजिए, कंट्रोलिंग इज़ द फर्स्ट या लास्ट? सुनते पाची ना गो, फर्स्ट फंक्शन की लास्ट फंक्शन? लास्ट फंक्शन, बात समझे ना। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है बाबू, देखिए तो अगले डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे अलग अलग, तो इट मीन्स बाबू थोड़ा, इट मीन्स चेजिंग द एम्प्लॉइज, नहीं इट मीन्स फॉलोइंग द एम्प्लॉइज। तो सर इतना सारा डेफिनेशन दिया हुआ पढ़ेंगे, मीनिंग ध्यान के लिए दिया हुआ है। लास्ट में देखिए क्या डेफिनेशन है, कंट्रोल में भी प्रिवेंटिव और फीड फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग क्यों करते बताइए, तो प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन मतलब गलती ना हो उसको रोकने के लिए। टास्क ऑफ कंट्रोल इज टू वेरीफाई वेदर देयर हैज़ बीन एनी डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है उसको जानने के लिए, एंड हैज़ बीन एनी डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड इफ सो टू टेक रेमेडियल एक्शन सो दैट सच वेरियंस डू नॉट रिकर इन फ्यूचर। अगर कुछ गलती हुआ है तो उसको जानना और इसको रेक्टिफाई करना जिससे गलती दोबारा फ्यूचर में ना हो। आप सिर्फ अभी घर में आके एक बार रीडिंग खाली मार लीजिएगा बस। फिर देखिए डेफिनेशन दिया, और डेफिनेशन मतलब तब से एक ही बात पढ़ रहे हैं हम लोग, कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग होता है। आ जाइए, कंट्रोल रेफर्स टू द टास्क ऑफ वेरीफाइंग एंड चेकिंग एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन अकॉर्डिंग विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट। दस कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू मेजर वेदर अ कंप्लीट वर्क परफॉर्म टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड एंड इफ डेविएशन अकर्स टू टेक करेक्टिव और रेमेडियल एक्शन। हम लोग गलती को सुधारने का कोशिश करते हैं कि अगर कोई गलती हुआ है तो उसको सुधारेंगे, एक ही बात तो बार बार लिखा हुआ है। यहाँ तक था डेफिनेशन, तो जल्दी यहाँ से 5-6 क्वेश्चन निकलता है, हम आपसे पूछते बताइए कंट्रोलिंग इज द फर्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन। कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, काम को करने के लिए, काम को रोकने के, गलती को रोकने के लिए। तो इट इज नोन एज प्रिवेंटिव एक्शन। कैसा एक्शन? कैसा एक्शन? कैसा एक्शन? और देखिए कंट्रोलिंग जो है वो कंट्रोलिंग मीन चेजिंग द एम्प्लॉई या फॉलोइंग द एम्प्लॉइज। चेजिंग की फॉलोइंग, फॉलोइंग की चेजिंग, उसके बताइए कंट्रोलिंग का एडवांटेज क्या है। देखिए काम सही से होगा, एक गलती आप उच्च माध्यमिक में गलती की, उच्च माध्यमिक में आपको सोचे थे कि मेरा 80% आना चाहिए लेकिन आपका मार्क्स आया 60%, तो आपका सपना अधूरा रह गया। क्यों अधूरा रह गया, आप घर में बैठ के सोचे तो आपने देखा कि आप मोह माया में पड़ गए, आपको क्लास में पढ़ते पढ़ते प्यार हो गया और यही सब चक्कर में आपका पढ़ाई जो है खराब हो गई। यही सब चक्कर में, समझ मनीष, यही सब चक्कर में आपका पढ़ाई क्या हो गया, खराब हो गया। अब इस कारण से क्या हुआ, आप फोकस नहीं कर पाए, तो आपको बाद में जब ईयर निकला आप देखिए तो आप देखिए कि आपका मार्क्स को आप देखिए तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं डेविएशन रह गया। डेविएशन मतलब 20% कम आया। अब आपको गलती रियलाइज हुआ है, अब आप क्या करेंगे बताइए, आप ये कोशिश करेंगे कि ये गलती दोबारा फ्यूचर में ना, बात खत्म होगी। ये पूरा प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब यू ट्राई दैट द मिस्टेक शुड नॉट रिकर इन फ्यूचर। आप ये कोशिश करते हो कि गलती दोबारा भविष्य में ना हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं वो बताइए, कंट्रोलिंग। क्या बोलते बोलिए, कंट्रोलिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग का क्या फ़ायदा होगा, परफॉर्मेंस अच्छे से होगा, कंपेयर कर पाएंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जो प्लान हमने बनाया वो सारा प्लान हम लोग अचीव कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि प्लानिंग सही से अचीव हो तो आपको कंट्रोलिंग करना होगा। इफ़ यू वॉन्ट दैट योर प्लान शुड वर्क इन द राइट डायरेक्शन यू हैव टू डू द कंट्रोलिंग ऑल्सो। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लान सही डायरेक्शन में काम करे, गलती हर इंसान से होता है और उस गलती को सीखना, ये कौन सिखाता है बताइए, कंट्रोलिंग। देखिए क्या क्या चीज, अच्छा कंट्रोलिंग करने के लिए ना बाबू बहुत सारा स्टेप्स होता है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, कंट्रोलिंग का ये नहीं पढ़ना है, ये अब आ जाइए इंपॉर्टेंस तो पढ़ लिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड वाला पॉइंट नहीं है। देखो कंट्रोलिंग का स्टेप्स में आइए, स्टेप्स कंट्रोलिंग में स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं, अब हम पाँच कंट्रोलिंग का 5 स्टेप होता है, 5 आपको भी हम रटवा देंगे माय डियर स्टूडेंट, जो वहाँ पे लिखा हुआ देखिए। अब कुछ मत देखिए, एमसीक्यू में स्मार्ट स्टडी है, नीचे आइए देखिए एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा ना, डायग्राम बना हुआ है। जब आपको बुक देंगे ना, डायग्राम में हम लोग 4 पार्ट में लिखे हैं, डायग्राम में 4 पार्ट ही लिखे हैं, जब बुक देंगे उसको 5 पार्ट में ब्रेक कर लीजिएगा, वही 4 चीज़ को 5 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, वो अभी लिखने दरकार नहीं है, बुक जब मिलेगा लिख लीजिएगा। 5 पार्ट आपको मोरली बोलते हैं, आपको याद रहेगा। सुनिए कंट्रोलिंग जब भी करते हैं पहला स्टेज होता है स्टैंडर्ड बनाना। क्या बनाना बाबू, स्टैंडर्ड। पहले क्या बनाते बताइए, बोलो ना। सबसे पहले हम सोचे, जैसे हम आज क्लास आप लोगों को दिए, तो हमको सबसे पहले हम क्या सोचे कि हमको 8 क्लास में जाना है, ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड, कि हमको 8 क्लास में पहुंचना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखिए क्लास में आते आते कितना हो गया, 8:15 हो गया, बस 20 हो गया, हम 8 सोचे कितना हो गया, 8:20 हो गया क्लास में आते आते, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हो गया, 8:20। अभी 20 लेट हो गया, दोनों को कंपेयर किया तो देखिए 20 हम डिले, 20 डिले क्यों है, किस लिए है, क्या रीज़न हो गया, क्या ऐसा कमी हो गया, कुछ तो कारण हुआ होगा जिस कारण से 8:20 हो गया। तो ये जो डिफरेंस हुआ उसका कारण को जान के हम ये कोशिश करेंगे कि गलती दोबारा ना,
यही तो कंट्रोलिंग है, दैट सिंपल। और ये पूरा स्टेप्स देखिए क्या क्या हुआ इसमें हुआ। पहले हम क्या किए, स्टैंडर्ड बने, फिर हम क्या देखिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले क्या बनाए बाबू, स्टैंडर्ड, फिर क्या हुआ बताइए, एक्चुअल। फिर दोनों को क्या किए, कंपेयर। कंपेयर करके क्या निकालेंगे, डेविएशन। क्या निकालेंगे, बोलो ना, प्लीज़ बोलिए, बोलिए ना। डेविएशन मतलब कमी, डेविएशन मतलब कमी, और कमी निकालने के बाद इसका क्या करेंगे बाबू, करेक्शन। क्या करेंगे बताइए। तो मेरे कुछ सवाल है आपसे, जवाब दीजिए बस, जल्दी बताइए। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएंगे, पहले क्या बनाइएगा, फिर पहले क्या, स्टैंडर्ड, फिर क्या, पहला, फिर क्या, पहले कौन सा परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड, फिर कौन सा परफॉर्मेंस, फिर दोनों को, फिर दोनों को, फिर दोनों को कंपेयर करके क्या निकलेगा, डेविएशन। क्या निकलेगा, डेविएशन का क्या होगा, डेविएशन का क्या होगा, करेक्शन। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, सेटिंग द स्टैंडर्ड, सेटिंग द, सेटिंग द, सेटिंग द, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, करेक्शन ऑफ मिस्टेक, करेक्शन ऑफ मिस्टेक। दुनिया में नोबडी इन द वर्ल्ड कैन गारंटी यू जीरो वेस्टेज, याद रखिएगा, दुनिया में कोई इंसान नहीं है माय डियर स्टूडेंट जो आपको ये कह दे कि वेस्टेज नहीं होगा। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको ये कह दे कि नुकसान नहीं होगा। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको कह दे कि गलती नहीं होगा। गलती सबसे होता है, बट व्हाट यू नीड टू लर्न इज कि टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। बस समझे, जहाँ पे मान लीजिए हमको 8 बजे आने का था, हम कितना बजे आए, 8:20 में, तो यहाँ पर गलती हुआ, क्या गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, तो हमको ये कोशिश करना है कि गलती दोबारा ना हो, इस गलती को रेक्टिफाई करना है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं बाबू, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग अ मिस्टेक। वेस्टेज नहीं होगा ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन वेस्टेज कम होना चाहिए। ज़्यादा वेस्टेज होने से गलत है, वेस्टेज होगा दैट्स ओके, बट वेस्टेज क्या होना चाहिए बाबू, कम। वेस्टेज ज़्यादा होना इज़ नॉट गुड। गलती आप लोग करते हो, हम लोग भी करते हैं, हर इंसान गलती करता है, लेकिन गलती कैसा करिए, कम। गलती ज़्यादा मत करिए, गलती बहुत ज़्यादा करिएगा तो वो ब्लंडर बन जाता है। क्या बन जाता है, वो ब्लंडर। तो जल्दी बताइए, कंट्रोलिंग में कितने स्टेप्स होंगे, बोलो ना, प्लीज़ बोलो, बोलो ना बाबू। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, वेरी गुड। उसके बाद सबसे पहले स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर। कंपेयर करके क्या निकलेगा, डेविएशन। क्या निकलेगा, deviation. क्या निकलेगा, देखिए अब आप सोचते होंगे सर सब कुछ तो आप इजी बोल रहे, कुछ वर्ड क्यों टफ बोल रहे। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना बाबू, जिसको आप इजी करेंगे तो आंसर गलत है, जिसका आपको वही वर्ड यूज करना पड़ता है। और लास्ट में होता है करेक्शन। करेक्शन का और एक नाम है टेकिंग रेमेडियल एक्शन, याद रखिएगा। रेमेडियल एक्शन मतलब गलती को सुधारने के लिए जो भी स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स मैं लूंगा और उस गलती को सुधारने का कोशिश करूंगा। जल्दी बताइए, 5 स्टेप क्या, व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या बताइए, बोलो ना, एमसीक्यू पूछ रहे, बताइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, टेल मी प्लीज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड, फिर क्या होगा, एक्चुअल, फिर क्या होगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद डेविएशन, डेविएशन के बाद, पहले बताइए, सबसे पहले, सबसे पहले, फिर क्या, पहले, फिर क्या, फिर क्या, कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद डेविएशन, डेविएशन के बाद, पहले क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड, फिर क्या निकालेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयर करके क्या निकलेगा, डेविएशन का क्या करना होगा, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले, अच्छा एमसीक्यू में और एक क्वेश्चन का तरीका क्या है, ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। तो कौन सा स्टेप कंट्रोलिंग का नहीं है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कंट्रोलिंग का है। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए ना, जल्दी बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, लास्ट। देखिए तो एक चीज़ आपको हमेशा इंश्योर करना है माय डियर स्टूडेंट, कि आपको दो चीज़ ध्यान देना है जब आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो तो मेरे पास, एक कि आपको रेगुलर ट्यूशन आना है, दूसरा कि आपको थोड़ा बहुत जो भी होमवर्क वोमवर्क देंगे उसको कर लिया करिएगा बस, और बाकी ज़्यादा एफर्ट का दरकार नहीं। इतना भी आप कर लेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, दुनिया की ताकत आपको सप्ली तो नहीं दे सकता, यूनिवर्सिटी का इतना हिम्मत नहीं है कि आपको सप्ली दे दे, याद रखिए। क्यों हिम्मत नहीं है, इन द सेंस क्यों, पढ़ाई की बदौलत आपको बोल रहे, क्योंकि इतना ख़राब आप नहीं पढ़ते कि आप सप्ली कहेंगे। हाँ मार्क्स कम बेसी होता है, कोई ज़्यादा एफर्ट दे तो ज़्यादा मार्क्स है, कम एफर्ट दे तो कम मार्क्स है, बट फेल हो जाएंगे ऐसा कैसे होगा। ये बात आपको मुच्छो आदमी को भी बोलते थे, और रिजल्ट देखिए आपका सामने है, आप लेटे हो ना फर्स्ट ईयर, हम क्या बोले कि फेल तो किसी हालत में नहीं होगा, और जो जितना एफर्ट दिया उस हिसाब से उनका मार्क्स भी आया, बस समझे, 90 लाने वाला 90 भी लाया, 100 लाने वाला 100 भी लाया, बस समझे। लेकिन दैट्स ऑल की कि आपने कितना एफर्ट दिया, और लेकिन फेल देखिए वो कौन बच्चे हुआ, एकदम जॉन्डिस, खतरनाक जॉन्डिस, जॉन्डिस समझ रहे, कुछ नहीं लिखेगा कॉपी में, वो माँ कसम खा के बैठा हुआ, बोले माँ कसम भाई हम लिखेंगे, आप कितना भी बोल लीजिए।
तो बाबू देखिए, दुनिया का कोई ताकत आपको पास नहीं करा सकता, याद रहे। आप किसी के पास भी पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, बात समझ रहे ना। तो बस देखिए, ट्यूशन से क्या होता है, आप देखिए, आप लोग में जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हो उनका क्या है, वो कहीं भी पढ़ेंगे अच्छा मार्क्स लाएंगे, वो मेरे पास पढ़ी चाहे कहीं भी पढ़ी। इसके लिए ये नहीं कि हमारे पास पढ़े इसलिए आपका 90 आया 100 आया, ऐसा कुछ नहीं। जिन बच्चों का 100 आया 90 आया उच्च माध्यमिक में, वो आपका अपना मेहनत है, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, हम तो सबको बराबर ही पढ़ा रहे। वो आपका मेहनत है कि आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया, तो अगर आपका 80-90 आएगा तो वो आपका मेहनत है, लेकिन अगर आप पास हो जा रहे सिर्फ, तो मेरा मेहनत क्या है, इसका मतलब आप मेहनत नहीं की। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, खाली ये ध्यान रखना है, हाँ कभी कदाल एबसेंट हो गया तो वो तो हो ही सकता है, किसी का भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ है, कहीं चले गए नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं, उतना होगा, लेकिन कोशिश करिएगा ना कि रेगुलर क्लास करें, उसका बेनिफिट देखिएगा हम, क्योंकि हम कल जब रिजल्ट निकला ना, हर बार जब रिजल्ट निकलता है कॉलेज का, हम एक चीज़ देखते हैं कि जो भी बच्चे रेगुलर क्लास किए उसका किसी भी पेपर में कहीं भी सप्ली नहीं। हाँ मार्क्स क्या है, कम बेसी है, किसी में कम आया किसी में बेसी आया, ये है, हम ये नहीं बोलते मार्क्स 100 में 100 लेके आए, लेकिन सप्ली नहीं। सीयू में 100 में 100 थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा का डिफिकल्टी है, आज तक किसी का नहीं देखा ऑफलाइन एग्जाम, क्योंकि 100 में 100 नहीं आता, क्या वो इस उच्च माध्यमिक में सीयू में बहुत अंतर है। सीयू का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ है, और उच्च माध्यमिक थोड़ा बंगाल बोर्ड है तो हलवा, बंगाल बोर्ड में उतना छाप नहीं बात समझे। अब बोले सर मैं तो 60 मार्क्स आया, कैसे छाप नहीं, अब उतना ही लिखे होंगे इसीलिए आपको 60 है, बात समझे, क्योंकि बंगाल बोर्ड थोड़ा फिर भी ठीक है, लेकिन सीयू तो भाव रहा खतरनाक, इतना लिखे कल से बच्चे लोग अभी भी मोबाइल खोले ना, देखिए इतना सारा मैसेज आया सर, बच्चे लोग बोला कि अभी तो ऑटो लिखे चले मार्क्स क्या दिलो ना, तो इतना तो सीयू के जिक्स करते हो अभी देखा नहीं मार्क्स, आप मतलब इतना लिखिएगा ना, आप देखिएगा हम इतना लिख के आए, आपको लगे हम फेल तो नहीं होंगे, देखिए बड़ा 25 पहुँचाया 26 मार्क्स दिया, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अब किसी से पूछना ये बात, हम अगर आप लगता होगा हम गलत बोल रहे हैं, कोई भी भैया दीदी होंगे ना उनसे पूछेगा कि सीयू में पेपर चेकिंग कैसे होता है, वो तो गाली देगा, बोले मत पढ़ो सीयू में, हम तो फिर भी अच्छा से बता रहे हैं, वो लोग तो गाली वाली देख के बोलेगा कि तुम सीयू में मत पढ़ो, बात समझे। तो जो भी है इसको फेस करना अच्छे से, आप इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, बात समझे ना, लास्ट ईयर तो ये नंबर यूनिवर्सिटी था, इस बार रैंक इसका बहुत पीछे हो गया एज हार्ड चेकिंग का कारण। तो जल्दी बताइए कंट्रोलिंग का पहला स्टेप क्या है, बोलो ना, लास्ट स्टेप, वेरी गुड, यही आंसर चाहिए, पहला लास्ट, पहला लास्ट। अब स्टेप बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर, कंपेयर करके क्या निकलेगा, डेविएशन, डेविएशन का क्या करेंगे, करेक्शन, पहले क्या बनाएंगे, फिर क्या होगा, दोनों को कंपेयर करके डेविएशन का। अब आप लोग सही आंसर, इतना 20 बार बोलने के बाद आप लोग सही आंसर दे रहे, जल्दी बताइए पहले क्या निकालोगे, फिर दोनों को कंपेयर करके डेविएशन का। इंग्लिश में बोलिए व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। और आपसे एक क्वेश्चन और ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, कौन सा कंट्रोलिंग का स्टेप नहीं है। इसके लिए मित्रों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप होता है। बस आगे बढ़िए, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में देखिए क्या लिखा हुआ, दी थोड़ा बुक मंगा देंगे, बिना बुक का ना बड़ा दिक्कत रहता है बड़ा मोबाइल में देखने में। बाबू देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एसर्टेनिंग डेफिशिएंसी। तो फोर्थ और थर्ड वाला पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर दी, कंपैरिजन एंड डेविएशन, बुक में एक ही साथ लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट कितना बाबू, करेक्शन, टेकिंग करेक्टिव और रेमेडियल एक्शन, कोई दिक्कत है बोलिए। अगला पॉइंट में आइए, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ क्या बाबू, कंट्रोल, कंट्रोलिंग कैसा कैसा होता है, फिजिकल कंट्रोल मतलब क्वांटिटी पे कंट्रोल करना, एक्टिविटी कंट्रोल मतलब हरकत पे कंट्रोल करना, फिनेंशियल कंट्रोल मतलब पैसा का वेस्टेज को कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल मतलब प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करना, डिपार्टमेंटल कंट्रोल मतलब डिपार्टमेंट में कंट्रोल करना, अब प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्री कंट्रोल या फीड फॉरवर्ड। देखिए कंट्रोलिंग प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है, वक्त से पहले, देखिए इंसान का दो तरह का एक्शन होता है, एक तो प्रोएक्टिव एक तो रिएक्टिव, इंग्लिश सुनिए, दो तरह का एक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट, एक होता है प्रोएक्टिव और एक क्या होता है बाबू, रिएक्टिव। इंसान का जो एक्शन होता है वो कितना तरह का होता है वो बताइए, दो तरह का, एक क्या होता है बताइए, प्रोएक्टिव, और एक क्या होता है बाबू, रिएक्टिव, एक क्या होता है बताइए, प्रोएक्टिव, और एक क्या होता है बाबू, रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में क्या फ़र्क है माय डियर स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से। तो प्रोएक्टिव मतलब होता है कोई भी काम होने से पहले आप कर लिए, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। आप प्रो हो, बोलता है ना लोग, ये प्रो है, प्रो है, प्रो वर्ड आपने सुना होगा, प्रो जो जो गेम हम खेलते हैं लेकिन वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बात बात में क्या बोलते हैं, तुम प्रो हो, प्रो हो, प्रो हो, प्रो मतलब क्या, सियाना हो तुम, क्या हो तुम, सियाना। हम लोग का लोकल भाषा में प्रो मतलब क्या, सियाना हो, किसी को आप लोग लोकल आते हैं तुम सियाना हो, सियाना मतलब इंग्लिश बोले प्रो है, ये क्या है, ये प्रो, प्रो मतलब सियाना, चंगला है, क्या बाबू, चंगला है। और ये रिएक्टिव मतलब क्या होता है, कोई काम होने के बाद एक्शन लेना, जैसे बात समझिए, आप कोई कस्टमर है, बोली अभी देरी बाबू 10 मिनट रुकिए, अच्छा जैसे आपको कोई एक थप्पड़ मारा, मान लीजिए
आपको एक थप्पड़ मारा उसके बाद आप उसको एक थप्पड़ मारे, ये प्रोएक्टिव हुआ कि रिएक्टिव हुआ? नाइस इंग्लिश ही तो, एक बार में आंसर दे रहे, ये क्या हो गया? रिएक्टिव। और कोई आपको मारने वाला है, आपको लग रहा है उससे पहले आप उसको मार दिए, प्रोएक्टिव की रिएक्टिव? प्रोएक्टिव, देखिए इतना ईजी एग्जाम्पल था, समझ गया ना? जैसे आपको लग रहा है आपको कोई मारने वाला है, उसके आपको मारा, उसके बाद आप उठे फिर आके आप उसको मारे, प्रोएक्टिव की रिएक्टिव? आपको मारने वाला था उससे पहले आप उसको घेर के मार दिए, प्रोएक्टिव। प्रो बाबू क्या हुआ? प्रो, समझ गए ना? वही प्रिवेंटिव कंट्रोल। अच्छा बाबू सुनिए, कंट्रोलिंग का ना टूल्स कैसे पढ़ेंगे इसको, कोचिंग का बुक में ना देखोगे बहुत सारा डायग्राम बना के लिखा हुआ है। अभी एमसीक्यू पेपर है आपका सिलेबस में, सिर्फ इसका नाम याद कर लीजिएगा, याद भी नहीं करे पढ़ी नहीं, अभी आपको पढ़ के सुना देते हैं। एमसीक्यू में कैसे पूछता है, ऐसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रोलिंग टेक्निक, कौन सा कंट्रोलिंग का टेक्निक नहीं। एमसीक्यू में यही अच्छा है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोगों, सिर्फ की पॉइंट पढ़ना है, काम का बात पढ़ना है, और याद कुछ नहीं करना है एमसीक्यू में। जितना समझिएगा एग्जाम में उतना गेनर हो जाइएगा, कितना भी हार्ड पेपर दे समझ के जाओगे तो बना पाओगे, लिख पाओगे, मार्क कर पाओगे, और नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बताइए कंट्रोलिंग करने का क्या क्या टूल्स है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए बच्चे लोग हार्ड वर्क करेंगे कैसे पढ़ेंगे, इसका बहुत सारा टूल होता है, बजटरी कंट्रोल किताब निकालेंगे, कोई जो सिलेबस वाला स्टडी मैट निकालेंगे, निकाल के एक लाइन पढ़ेंगे, बजटरी कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये, एमसीक्यू में इसका जरूरत ही नहीं है आपका। एमसीक्यू में दे विल नॉट आस्क यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, अब याद करिए 12 में कितना दिक्कत, 12 में एक चैप्टर भी एसटीडी का पढ़ने में सात सात क्लास लग जाता था, छः छः क्लास लग जाता, क्या है फीचर्स पढ़ाते थे, इंपॉर्टेंस पढ़ाते थे, एडवांटेज पढ़ाओ डिसएडवांटेज पढ़ाओ, उसके बाद भी बेटा एक तो आएगा कि नहीं आएगा श्योर नहीं रहता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, जो पढ़े वही आएगा, क्यों? एमसीक्यू है, समझ लीजिए खेला सेस, जल्दी बताइए। कंट्रोलिंग का बहुत सारा टूल है, मतलब कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने का क्या क्या तरीका है, तो बहुत सारा तरीका है। और आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल, अब देखिए ये सीयू का नॉटी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल, सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस यू नीड टू नो व्हाट आर द टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग, कौन सा टूल नहीं है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा टूल होता है। एक बार हम खाली नाम रीडिंग कर देते, सिर्फ नाम आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा बस, इसका डिटेल पढ़ना नहीं है आपको ये सब चीज़ का भी। बजटरी कंट्रोल, बजट कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, इसमें बहुत से, देखिए इसमें आपको आपको अगर इंटरेस्टिंग बात बताएं, इसमें जितना वर्ड लिखा हो ना ये सब आने वाला 3 साल में कहीं ना कहीं आप सुनेंगे, कहीं ना कहीं आपका चैप्टर का नाम होगा, कुछ कुछ वर्ड आप पहले भी सुने होंगे। बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पहले सुने ना, अब देखिए एग्जांपल दे आपको समझाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंट्रोलिंग कैसे होता है। हम अपना पीएल अकाउंट बनाए, उससे हमको पता चला कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है कि कम है, अगर प्रॉफिट कम है तो गलती को सुधारेंगे, ज़्यादा है तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जांपल दिया आपको कि कैसे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 में पढ़े थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे ये पता चलता है कि कैश कितना आ रहा कैश कितना जा रहा, तो इससे हम कोई अगर कैश कम हो रहा तो हम समझ जाएंगे कैश का कमी कहाँ है। मतलब आपको जो वर्ड आपको पहले से पता है उसका मतलब आपको बता रहे हैं कि आप समझ पाएंगे इसका कंट्रोलिंग से क्या रिलेशन। तो ये सारा तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं बिजनेस में, गलती को सुधारने का कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट कॉस्टिंग, इंटरनल ऑडिट, जो लोग ऑडिट तो ऑडिट पढ़ाए थे, इंटरनल ऑडिट पढ़ाए थे, कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑडिट, MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और डायरेक्ट सुपरविजर, डायरेक्टली कंट्रोल करके। तो आपको MCQ में कैसे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ कंट्रोलिंग या टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, तो उसमें से कोई एक तो ऐसा एग्जांपल दिया रहेगा ना जो टेक्निक नहीं हो, लेकिन उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेक्निक होता है। आप ये सब नाम ना खाली एक बार रफली रीडिंग मार लीजिएगा बस, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर क्या हो गया वो खत्म। इस चैप्टर से देखिए हम क्या बोले, ये अकेला 16 मार्क्स का नहीं ना है, सुनिए हड़बड़ाई मत, मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग मिला करके मेरा 16 मार्क्स, 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो मेरा 16 मार्क्स मिलेगा, जिसमें से एक चैप्टर पढ़ा दिया दूसरा पढ़ा दिया अगला दिन कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे। इसमें से ना ज़्यादा नहीं 6-7 तो क्वेश्चन बनता है, हम आपसे पूछते बताइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, सॉरी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप, मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या बाबू, प्लानिंग, मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप कंट्रोलिंग। अच्छा एक बात बताइए कंट्रोलिंग इज द फर्स्ट फंक्शन और लास्ट, MCQ में पूछेगा। उसके बाद ये कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं या गलती को सुधारना सीखते हैं? अच्छा कंट्रोलिंग का स्टेप्स बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कंट्रोलिंग बैकवर्ड एक्टिविटी है कि फॉरवर्ड एक्टिविटी है, कि बोथ एक्टिविटी है, एक्सीलेंट 12 में ही पढ़ाया था आपको, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, व्हाई, बिकॉज इट इज डन फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, इतना याद रखिएगा। वो जो बुक इसीलिए बुक जरूरी है क्या, बहुत सारा बात हम आपको जो किताब में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ज्ञान को तो आप किताब में नहीं समेट सकते, तो बहुत सारा बात है जो किताब में नहीं, वो जो पढ़ाते पढ़ाते आएगा तो आपको बोलेंगे तो आप अपना बुक के सामने लिख लिया करना,
इससे आपको क्या होगा, रिविजन में सुविधा होगा। इसीलिए बुक अब जरूरी हो गया हम लोग के लिए। भाई और बहनों, कंट्रोलिंग का पहला स्टेप क्या है बताइए, कंट्रोल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कंट्रोल, बोलो ना, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, यस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज एंड द लास्ट स्टेप इज, समझ गए बाबू, ये पूरा स्टेप। अच्छा बताइए, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एक्टिविटी, बैकवर्ड एक्टिविटी या बोथ, बोलो ना, प्लीज बोलो बाबू। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, इससे पहले वाला एग्जाम, कि कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड बैकवर्ड या बोथ, क्या होगा आंसर बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड, क्या बनाना, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, करेक्शन। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।